हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या सीखा था, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट्स लॉ कि ये कोई वायर था, इसमें करंट जा रहा था आई। अगर हमें इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था तो हमने एक छोटा टुकड़ा लिया, इस वायर का छोटा सा टुकड़ा लिया जिसकी लेंथ थी डीएल। डीएल के कारण हमने डीबी, इस वायर की लेंथ L है तो हमने एक छोटा टुकड़ा लिया DL। अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो छोटी आएगी, इसलिए DB। वो क्या थी? वो थी म्यू नोट बाय में 4 पाई I DL साइन थीटा बाय में R स्क्वायर। हमने ये चीज सीखी थी अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट्स लॉ। उन्होंने बताया कि कोई भी वायर है उसमें करंट जा रहा है, तो अगर उसके अराउंड किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना अगर हमें पड़ रहा है तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। आज हम सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। मतलब एक लूप है, वो कैसी है? वो सर्कुलर है। लूप कैसी है? वो लूप है सर्कुलर, ठीक है। इस सर्कुलर लूप के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड सीखेंगे। इसमें मान लीजिए, तो इसमें मान लीजिए कि करंट जा रहा है क्लॉकवाइज। कैसे जा रहा है करंट? क्लॉकवाइज इसमें करंट जा रहा है, और इसके सेंटर पे हमें पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। देखो टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमें किसके कारण? सर्कुलर, ये सर्कुलर है करंट कैरिंग लूप, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, उसके सेंटर पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे बायो सेवर्ट्स ने बताया था कि हम एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, इसकी लेंथ लेंगे डीएल, ठीक है। अब करंट है इस पॉइंट पे, हमें अगर करंट की डायरेक्शन देखनी हो तो हम इसके बिल्कुल टेंजेंट लेंगे डीएल, तो करंट की डायरेक्शन यहां क्या होगी? इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। क्योंकि अगर हमें किसी भी पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन निकालनी हो तो हम डीएल, ये डीएल वेक्टर है एक, तो ये होगी ऐसी, ठीक है। अब पी पॉइंट पे मान लीजिए इसकी जो ये रेडियस है वो कितनी है? वो स्मॉल आर है, ठीक है। अब एंगल देखिए, जैसे हमने वहां किया था, इसमें करंट आई जा रहा था, इस पी पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, ये एंगल थीटा था, तो एंगल किस किस के बीच में था? एंगल था पी सॉरी डीएल और आर के बीच में, क्या था? थीटा एंगल था। अब डीएल ये है, आर ये है, तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। हमें दिख रहा है ना एंगल कितना हो गया? एंगल हमें लेना है डीएल और आर के बीच में। अब हमें यहां दिखाई दे रहा है कि एंगल कितना है? एंगल है 90 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट्स लॉ डीबी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? म्यू नोट बाय में 4 पाई I DL sin of theta divided by R square। अब यहां एंगल कितना है? एंगल है 90 डिग्री। एंगल हमें लेना है किस किस के बीच में? DL और R के बीच में हमें एंगल लेना है। तो अपना DB क्या आ गया? DB is equal to mu naught by में 4 pi I DL sin 90 divided by R square। अब sin 90 कितना होता है? Sin 90 होता है 1। तो DB is equal to mu naught by में 4 pi I DL by में R square। तो इस जो हमने DL length ली थी, इसके कारण जो magnetic field आया है, DB is equal to mu naught by में 4 pi I DL by में R square। अब बायो सेवर्ट्स ने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि अगर हम छोटी लेंथ लेंगे तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो छोटी आएगी, इसलिए हो गया DB। अब हम क्या करते हैं, एक और लेंथ लेते हैं DL, ठीक है। अब हमें पता है कि यहां पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट कहां जा रहा है? करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, तो यहां करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये। अब हम इसके ऊपर क्या लेंगे? बिल्कुल टेंजेंट लेंगे, ठीक है। अब इसके बीच में एंगल कितना है? देखो रेडियस तो सेम रहेगी ना सर्कुलर की, तो एंगल कितना हो गया? एंगल हो गया 90। तो अब वही बात होगी ना, डिस्टेंस भी वही है, एंगल भी वही है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी DB is equal to mu naught by में 4 pi
आई डी एल बाई में आर स्क्वायर, जो साइन थीटा है, साइन कितना थीटा कितना है 90 डिग्री एंगल है, तो 90 तो साइन 90 1 हो गया, तो वही आ गई। अब इसके ऊपर अगर हम डायरेक्शन देखें, इसके कारण डायरेक्शन देखे, मैंने बताया था राइट हैंड पाम रूल, उसमें क्या था, जो अपना राइट हैंड का थंब है वो किसको शो करेगा, वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है, और जो अपनी ये फिंगर है ये किसको शो करेंगी, ये शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो देखिए यहां पे करंट की डायरेक्शन कहां है, इस साइड, बिल्कुल इसके ऊपर, बिल्कुल टेंजेंट है इसके, ठीक है। तो हम अपने राइट हैंड के थंब को क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में लेंगे और अपने फिंगर को कर्ल करेंगे। अब जो करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एंगल कितना होना चाहिए, एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, अब अपनी फिंगर को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या है, इनवर्ड है। मैंने बताया था क्रॉस के लिए क्या होता है, इनवर्ड होता है, और डॉट के लिए क्या होता है, आउटवर्ड होता है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे देखेंगे, ठीक है। अब यहां करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो अब हम देखें, मैं अपने अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल, जहां करंट जा रहा है वहां पे अपने राइट हैंड के थंब को करेंगे, और फिर ये अपने इस फिंगर को, अपनी फिंगर को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। तो यहां क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यहां भी डाउनवर्ड है, ठीक है। देखिए जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वहां पे अपने राइट हैंड के थंब को रखा और फिर अपनी फिंगर को कर्ल किया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी। अब अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो क्या होगा, ये डीएल फिर लेंथ ले ली, यहां पे टेंजेंट क्या होगा, ये होगा आई, जो ये होगा आर, रेडियस सेम रहेगी, एंगल, एंगल फिर से 90, तो फिर से वही आ जाएगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई में 4 पाई आई डी एल बाई में आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे तो क्या है, डी एल हमने छोटी सी लेंथ ली, ठीक है, ये डी एल लेंथ होगी, अब रेडियस वही सेम है आर। अब अगर हम यहां पे डायरेक्शन देखें, देखो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो किसी भी पॉइंट पे आप देख लेना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड वही आएगी डीपी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय में 4 बाई आई डी एल बाय में आर स्क्वायर। अब हम अगर यहां पे डायरेक्शन देखें तो देखो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वहां पे अपने राइट हैंड के थंब को रखना है और फिर अपने फिंगर को कर्ल करना है, तो वो डाउनवर्ड है। मतलब हमने अभी तक क्या सीख लिया भाई, हम इस सर्कुलर जो लूप है उसका कोई भी डीएल ले, कोई भी पार्ट हो डीएल ले, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो क्या आ रही है, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई डीएल बाय में आर स्क्वायर, और जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हर बार क्या आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है। अब ये तो डीबी किसके कारण है, छोटी सी लेंथ के कारण। अगर हम पूरे लूप के लिए निकालना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड, तो db 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 का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, b, तो ये आ गया b मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लो, तो μ0 by में 4 पाई करंट, करंट तो कांस्टेंट होगा, by में r। अब r देखो अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे या इस पॉइंट पे देखें या इस पॉइंट पे देखें, कहीं भी देखें, r अपना क्या है, r सेम रहने वाला है, तो r स्क्वायर भी अपना क्या आ गया, कांस्टेंट रह क्या गया, b है, ठीक है। अब डीएल डीएल को देखो, अगर हम सारे डीएल को जोड़ दें, सारे डीएल को जोड़ दें तो क्या इस लूप की सर्कमफ्रेंस बन गई, वो तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर, बोल के देखो, तो म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय में आर स्क्वायर इनटू में 2 पाई आर। देखो सर्कुलर लूप है, इसकी जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर रख दिया। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 हो गया, और एक आर से एक आर गया, तो क्या बच गया अपने पास, अपने पास बच गया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय में 2 आई बाय में आर। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई किसके कारण, ये मैग्नेटिक फील्ड आई है सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई, वो आ गई म्यू नॉट बाय में 2 इंटू में आई बाय में आर, या हम कह सकते हैं म्यू नॉट आई बाय में 2 आर। ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आई है, ये मैग्नेटिक फील्ड आई है ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। हमने कुछ नहीं किया, हमने एक सर्कल लिया, इसमें करंट जा रहा है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर बार आप देखोगे आउटवर्ड होगी, ठीक है। अब इसमें जो करंट जा रहा है वो क्या जा रहा है,
क्लॉकवाइज जा रहा है। अकॉर्डिंग टू बायो सेवेट्स लॉ उन्होंने क्या बताया कि हम जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं वो डीएल छोटे से स्मॉल लेंथ एलिमेंट है उसके कारण निकाल सकते हैं। हमने डीएल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो डीबी आएगा। फिर हमने हर बार देखा कि डायरेक्शन इनवर्ड है और जो छोटे से एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो हर बार सेम आ रही है। डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय में 4 पाई इनटू में आई डीएल बाय में आर स्क्वायर। फिर हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। डीएल डीबी 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 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। डीएल का इंटीग्रेशन छोटे छोटे का पूरे का क्या आ जाएगा, सर्कमफेरेंस आ जाएगा इस सर्कल का, वो क्या होता है 2 पाई आर। उससे आप अपनी सारी मैग्नेटिक फील्ड आ, ठीक है। तो ये टॉपिक आप नोट करो, कर लिया नोट। अब अगर हमें पूछ ले सर्कुलर की जगह सेमी सर्कुलर आ जाए, यहां पे क्या आ जाए, सेमी। अगर सर्कुलर की जगह पर आ जाए सेमी सर्कुलर, मतलब सेमी का मतलब देसी भाषा में क्या होता है, आधा। अब ये जो लूप है वो क्या कर दी, आधी कर दी, ठीक है। अब इसके कारण हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बहुत आसान है। मैं आधी बना देता हूं इसको साफ करके। इसके कारण अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखनी पड़ जाए तो कैसे देखेंगे, ये आधी लूप, ठीक है, सेमी सर्कुलर लूप। अब हमें इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट जा रहा है इसमें ऐसे, ठीक है। अब अगर हम यहां पे मान लीजिए डीएल हमने स्मॉल एलिमेंट ले लिया, अब यहां पे जो करंट होगा वो क्या होगा, एक्चुअली टेंजेंट आई। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें तो कैसे होगा, जिस साइड में करंट जा रहा है जिस डायरेक्शन में वहां पे अपने राइट हैंड के थंब को रखेंगे और फिर अपने फिंगर को कर्ल करेंगे, तो क्या है करंट यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन इनवर्ड है। अगर हम इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो क्या होगा, देखिए इस पॉइंट के ऊपर देख लीजिए, हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है डीएल, अगर इसके ऊपर देखेंगे तो देखिए तो भी इनवर्ड। तो आप क्या करना, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप किसी भी स्मॉल एलिमेंट के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे तो हर बार क्या आएगी, इनवर्ड आएगी। और जो डीबी आएगा डीएल के कारण जो डीबी आएगा वो क्या आएगा, म्यू नोट बाय में 4 पाई आई डीएल बाय में आर स्क्वायर। स्मॉल एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस पॉइंट पे क्या आएगा, डीबी इक्वल टू म्यू नोट बाय में 4 पाई आई डीएल बाय में आर स्क्वायर। क्यों आया ऐसा, क्यों, देखिए एंगल 90 डिग्री है ना, वैसे तो साइन थीटा हो गया, अब साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे, साइन 90 रख देंगे। तो dp is equal to mu naught by में 4 pi i dl by में r square sin 90, sin 90 कितना होता है 1 होता है, तो अपना क्या आ गया, dp is equal to mu naught by में 4 pi i dl by में r square। इस स्मॉल एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो है mu naught by में 4 pi i dl by में r square। अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी इनवर्ड होगी। तो हमें क्या करना, इंटीग्रेशन कर दो इंटीग्रेशन। डीबी का क्या आएगा, बी आएगा, बस यहां ये लिख देना बी सेमी के कारण, म्यू नोट बाय में 4 पाई आई कॉन्स्टेंट है, आर पिछले की तरह कॉन्स्टेंट है, किसका इंटीग्रेशन करना है, डीएल का। तो डीएल 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 पहले पूरी सर्कल थी वो, अब सेमी है, अब पूरी सर्कल दी दो 2 पाई आर, अब सेमी है तो उसकी आधी 2 पाई आर की आधी कितनी होगी, पाई आर। तो म्यू नोट बाय में 4 पाई आई बाय में आर स्क्वायर, ये कितनी आ गई, पाई आर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर, क्या बच गया हमारे पास, जो रिजल्ट आएगा फाइनल वो आएगा बी सेमी, मतलब सेमी सर्कुलर, म्यू नोट बाय में 4 आई बाय में आर, ये आ गया। और जो पूरी सर्कल थी उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो कितना आया था, म्यू नॉट बाय में 2 इंटू में आई बाय में आर। ये सेमी के लिए है, ये पूरे के लिए है। अब क्या है, कई बार जो
मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें डायरेक्ट पूछ लेता है भाई जो सेमी सर्कुलर के कारण क्या होगी। तो आपको जो ध्यान रखनी है वो सिर्फ यही ध्यान रखनी है भाई मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के लिए कितनी है। वो अगर म्यू नॉट बाई में टू इंटू में आई बाई आर है तो हमें क्या करना है, सेमी के लिए क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1 बाई टू से। तो 1 बाई टू इंटू में म्यू नॉट बाई में टू आई बाई में आर, तो नॉर्मल सी बात है भाई पूरे सर्कल के लिए ये है। तो सेमी के लिए क्या होगी, इससे आधी हो जाएगी, इससे आधी तो ये कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट बाई में फोर इंटू में आई बाई में आर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है ये आ गया सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण। ये नोट कर लिया, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बताना है एक्सिस के ऊपर, लूप वही है सर्कुलर लूप है उसमें करंट जा रहा है। पहले तो हम क्या कर रहे थे, मैं आपको समझाता हूं, ये ऐसे ये कोई लूप है सर्कुलर है ठीक है। अब इसके ऊपर हम बता रहे थे, पहले तो हम बता रहे थे इसके सेंटर के ऊपर यहां पे, अब हमें क्या बताना है इसके एक्सिस के ऊपर। जैसे इस पी पॉइंट मान लीजिए, यहां अगर पी पॉइंट हो तो इस पी पॉइंट के ऊपर हमें क्या बताना है मैग्नेटिक। तो हमने ये जो सर्कल ऐसे रख रखी है, ये लूप है ऐसे रख रखी है हमने, इसके कारण हमें हम क्या बताना है इसके एक्सिस के ऊपर ऐसे इस पी पॉइंट के बता के समझ में। अब बोर्ड 2D है लेकिन हमें इमेजिन क्या करना है 3D। ये लूप है कोई भी, इसकी एक्सिस होगी ये पी पॉइंट होगा, इस पी पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। पहले तो वो लूप कैसी थी, पहले वो लूप ऐसी थी ऐसे रख रखी थी हमने ठीक है, और पी पॉइंट के ऊपर बताना था। अब ये लूप कैसे है, अब ये लूप ऐसे रख ली, अब इसकी एक्सिस के ऊपर बताना, समझ गए ना आप। पहले हमने ऐसे रख रखी थी उसके सेंटर पे बताना था, अब ये ऐसे रख रखी है और इसकी एक्सिस के ऊपर बताना है, अब इसमें करंट जा रहा है ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर करंट क्या है जा रहा है जैसे बोर्ड के अंदर जा रहा है इनवर्ड, और इस नीचे वाले पॉइंट पे करंट आउटवर्ड। तो जो यहां पे जो करंट जा रहा है वो कहां जा रहा है इनवर्ड, और यहां पे आउटवर्ड। दोबारा देख लो कि यहां पे करंट ऐसे जा रहा है तो करंट यहां पे अंदर की तरफ जा रहा है, यहां पे करंट बाहर की तरफ आ रहा है, समझ गए आप। अब आपको यहां ऐसे लगे करंट ऐसे जा रहा है क्योंकि 2D में, हमें इमेजिन 3D में करना है। ये देखिए करंट ऐसे यहां अंदर की तरफ और यहां बाहर की तरफ, ये हो गया। अब इस P पॉइंट के ऊपर हमें क्या बताना है मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है कि जो बायो सेवर्ट्स उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था जो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालनी पड़ जाए वो स्मॉल एलिमेंट के कारण आई थी, वो थी म्यू नोट बाय में 4 पाई आई डी एल बाय में आर स्क्वायर इनटू में साइन थीटा, ये थी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हमने क्या यूज किया था, तब हमने यूज किया था राइट हैंड पाम, ये स्केलर फॉर्म होगी। अब इस टॉपिक में आपको लगेगा कि राइट हैंड पाम रूल है वो इतना मतलब अच्छे से समझ में नहीं आएगा आपको, इसके लिए आपको एक चीज और सीखनी पड़ेगी। देखिए मैं बताता हूं, ये स्केलर फॉर्म होगी, अगर हम इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे हम डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट बाई में 4 पाई आई डी एल क्रॉस में आर
बाय में आर क्यूब, ये लिखेंगे। क्रॉस का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा, मतलब डी एल आर साइन थीटा, एक आर से एक आर आ गया, ये चीज आ गई। ये वेक्टर फॉर्म है, ये स्केलर फॉर्म है। इस चीज अभी तक आपने एक चीज पढ़ी होगी, ए क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर और ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसका मीनिंग क्या है, ए क्रॉस है, ए परपेंडिकुलर है बी के और ए परपेंडिकुलर है सी के। इसका मीनिंग हम यहां से क्या सीख सकते हैं, हम सीख सकते हैं कि डी बी परपेंडिकुलर है किसके, डी एल के, और अपना डी बी परपेंडिकुलर है किसके, आर के। मतलब डी बी डी एल के भी परपेंडिकुलर है और डी बी आर के भी परपेंडिकुलर है। इस केस में देखिए अभी आपको, अब इसमें करंट कहां जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, अभी बताया था ना मैंने, ऐसे करंट इनवर्ड और यहां करंट आउटवर्ड आ रहा है। तो अब करंट इनवर्ड जा रहा है तो हम यहां एक स्मॉल डीएल एलिमेंट लेंगे, लेंथ एलिमेंट। अब करंट यहां पे इनवर्ड जा रहा है तो अगर हमें राइट हैंड पाम रूल से हम देखें तो जो आर होगा वो क्या होगा, ये होगा, ये हो गया ना, ये अपना आर हो गया, ठीक है। अब ये आर है तो इसके बीच में एंगल आप बताइए मेरे को कितना है, करंट जा रहा है ऐसे अंदर, करंट ऐसे जा रहा है और ये पॉइंट यहां पे पॉइंट, तो ये हो गया, तो एंगल कितना नजर आ रहा है आपको, 90 डिग्री एंगल। देखिए करंट अंदर की तरफ जा रहा है, मैंने आपको अभी बताया था कि ऐसे करंट अंदर की तरफ जा रहा है। अब अगर करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो यहां पे डाउनवर्ड इनवर्ड हो गया। अब इस पी पॉइंट पे हम देखें तो देखिए तो एंगल कितना हो गया, किस किस के बीच में, डीएल और आर के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें भाई, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे, कैसे देखेंगे, राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, जहां पे करंट जा रहा है वहां पे अपने राइट हैंड के थंब को रखेंगे। अब हमें अपने फिंगर को कहां कर लगाएंगे, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूछे है तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे पूछे है, तो जहां पे पूछे है वहां पे क्या करेंगे, फिंगर को कर लगाएंगे। तो फिंगर क्या है, कैसे आ रही है, फिंगर आ रही है ऐसे, ये हो गया डी बी। अब इसके अकॉर्डिंग डी बी परपेंडिकुलर टू आर, मतलब ये एंगल कितना है, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। कुछ नहीं किया हमने, करंट जा रहा है ऐसे इनवर्ड, अब करंट ऐसे जा रहा है इस पी पॉइंट पे पूछा है तो एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब पी पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो देखिए अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल हम अपने फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ही आ रही है। अब हमने सीख लिया DB परपेंडिकुलर टू DL और DB परपेंडिकुलर टू R, तो R और DB और R के बीच में कितना एंगल, 90 डिग्री। अगर हम इस P पॉइंट पे देखें तो इस P पॉइंट पे देखें तो भी ऐसी आई, ये क्या हो गया R, ये DL है। अब यहां पे मैंने बताया था करंट बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो वहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ये अभी अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डीबी। अब देखो ये थोड़ा मिस्टेक होगी इसमें, ये डीबी ऐसे, अब इसके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री, ये डी बी हो गया। करंट ऐसे इस पी पॉइंट पे देखना तो एंगल 90 डिग्री हो गया। अब इस स्मॉल एलिमेंट के कारण अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें पी पॉइंट पे तो ये डी बी ऐसे हो। अब यहां पे देखें तो करंट है ये, अब इस पी पॉइंट पे देखेंगे तो एंगल 90 डिग्री है ना। अब इस आर कौन सा आर, ये जो आर है ये आर और इस डीबी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री।
लेकिन मैंने बड़ा बना दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें थोड़े एंगल है। अब मान लीजिए ये एंगल है थीटा, ये एंगल भी मान लिया थीटा, ठीक है। अब एंगल अगर आपको समझ में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, ये इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, तो ये कितना रह गया? टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो जो ये वाला एंगल है वो कितना रह गया? ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा। देखो ये जो कंप्लीट एंगल है, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का। ये थीटा है, ये थीटा है, तो जो बच गया वो कितना हो गया? 90 माइनस 2 थीटा। अब अगर हम इनको जोड़े तो 90 माइनस 2 थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, तो इससे ये कैंसिल हो गया, एंगल कितना बच गया? 90 डिग्री। तो ये एंगल हो गया अपना 90 माइनस 2 थीटा। अब मेरे को एक बात बताइए आप भाई, जो ये एंगल है, ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री होगा ना। ये एंगल पूरा क्या है? देखो ये एंगल 90 डिग्री है। अब ये थीटा, ये 90 माइनस 2 थीटा, तो ये कितना बच गया? कंप्लीट 90 है। ये थीटा, तो ये 90 माइनस 2 थीटा, तो ये कितना बच गया? ये एंगल कितना हो गया? थीटा। अब अगर हम इनको जोड़े हैं तो वही बात, 90 माइनस 2 थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो 90 डिग्री। अब ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना आएगा? ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये अगर एंगल आपको समझ में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसका काम खत्म हो गया, इसलिए इसको हम साफ कर देते हैं। अब अगर हम इस डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो वो कितनी आएगी? स्मॉल आएगी। डीबी इज इक्वल टू म्यू नोट बाय में 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ, एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो साइन 90 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट बाय में 4 पाई आई डी एल बाय में आर स्क्वायर। अब ये किसके कारण आई है? ये इसके कारण आई। अब मैं और अच्छे से समझाने के लिए आपको ये डायग्राम अलग बना देता। ये डीबी है ना, ये भी क्या है? डीबी, ठीक है। ये एंगल कितना है अपना? थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। अब भाई देखो, इस डीएल के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, इस डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड ये है, इस डीएल के लिए ये है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड यहां डीबी है, तो यहां पे आगे क्या हो जाएगा? डीबी कोस ऑफ थीटा। ये यहां डीबी है, तो थीटा के साथ आएगा तो क्या होगा? कंपोनेंट तोड़ दिया ना हमने, डीबी कोस ऑफ थीटा। अब ये डीबी है, यहां पे आ रहा है तो थीटा के साथ डीबी कोस थीटा, दूसरी साइड जाएगा तो क्या आ गया अपना? डीबी साइन ऑफ थीटा। ये वाला यहां आ रहा है तो डीबी कोस थीटा, यहां आएगा तो डीबी साइन ऑफ थीटा। मतलब क्या हो गया भाई, हमने कंपोनेंट तो तोड़ दी इसके। यहां आ गया तो डीबी डीबी कोस थीटा डीबी साइन थीटा, ये वाला डीबी कोस थीटा डीबी साइन थीटा। अब हमें पता लग रहा है कि डीबी कोस थीटा डीबी कोस थीटा को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐड कौन हो रहा है? ऐड हो रहा है डीबी साइन थीटा। तो जो अपना नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी नेट, वो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन ऑफ थीटा। जो मैग्नेटिक फील्ड नेट आएगा वो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा। अब आपको लग रहा है भाई यहां पे एक तो मैग्नेटिक फील्ड डी बी साइन थीटा ये है, एक ही है, तो दो डी बी साइन थीटा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एक ही ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? समझे बात। अब इस डीएल के कारण ये डीबी है,
इस डीएल के कारण ये डीएल। अब ये जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये कर रहे हैं कंप्लीट सर्कल का। अगर हम मान लीजिए हम यहां टू ले ले, मान लेते हैं टू ले लें, तो जो डीएल देखो दो डीपी ले लिए ना, तो ये पॉइंट लिया तो इसके साथ एक और पॉइंट कौन सा लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। अगर हम ये पॉइंट ले तो इसके साथ ये लेना पड़ेगा, ये पॉइंट ले तो ये लेना पड़ेगा। मतलब एक पॉइंट ले रहे हैं और अगर हम यहां टू डीपी साइन थीटा ले रहे हैं तो एक पॉइंट के साथ एक और आ रहा है, तो हमें जो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वो किसके कारण करना पड़ेगा, वो हाफ के लिए करना पड़ेगा अगर हम टू डीबी साइन थीटा लें तो। लेकिन हम यहां क्या ले रहे हैं, कंप्लीट का कर रहे हैं, इसलिए एक पॉइंट के कारण एक डीएल के कारण एक डीबी। अगर हम दो ले लें, आपका बच्चों का क्वेश्चन होता है यहां पे एक डीबी साइन थीटा ये एक डीबी साइन थीटा ये, लेकिन हमने यहां डीएल भी दो ले लिए ना। अगर हम एक डीएल ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे डीबी साइन थीटा। आप टू करके इस हाफ का इंटीग्रेशन कर दो आंसर वही आएगा, आप डीबी साइन थीटा लेके कंप्लीट का इंटीग्रेशन कर दो आंसर वही आएगा। अब आपकी मर्जी है, हम जो बी मैग्नेटिक फील्ड नेट निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। अब हमारे पास डीबी की वैल्यू है, साइन थीटा हम पास निकाल करें। देखो जो अपनी ये आई है डी बी सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं बी नेट, वो किसके क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन ऑफ थीटा। अब डी बी की वैल्यू है अपने पास, है बिल्कुल है, तो हम रख दें बी नेट जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी की वैल्यू क्या है, डी बी की वैल्यू अपने पास है म्यू नोट बाय में फोर पाई आई डी एल बाय में आर स्क्वेयर साइन थीटा। अब इस ट्रायंगल में देखो ये हमने क्या लिया था, ए ले लो, ये ले लो एक्स। अब ये जो ट्रायंगल है ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ये जो ट्रायंगल है ये वर्ग मतलब ये वर्ग, ये अपना x हो गया, ये a हो गया, ये r हो गया, इसमें साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी इसमें x बाई में r, तो क्या करें x बाई में r ले, बात आ गई समझ में, क्या ले लिया हमने x बाई में r। अब हम क्या करें इसका इंटीग्रेशन करते हैं, म्यू नोट बाई में 4 पाई क्या है कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है ना, I करंट तो कॉन्स्टेंट होगा, R कॉन्स्टेंट है, R क्यूब अंदर क्या रह गया X, देखो X ये, अब इसकी जो रेडियस है वो तो कॉन्स्टेंट ही रहेगी, तो अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा DL, क्या रहेगा DL। देखो दोबारा देखो म्यू नोट बाय में 4 पाई की वैल्यू हमें पता है 10 की पावर माइनस 7, I करंट सेम रहेगा, R ये तो सेम रहेगा ना, ये बात समझो आप, आर सेम क्यों रहेगा, ये अगर हमें ये पॉइंट दे रखे हैं तो हम यहां से निकाले यहां से निकाले यहां से निकाले या यहां से निकाले, आर की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। देखना आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आर कॉन्स्टेंट है, 12 आ गया, एक्स रेडियस होगी इसकी वो तो कॉन्स्टेंट है, अंदर कौन रहेगा, हमें इंटीग्रेशन किसका करना है डीएल का, तो सर्कमफेरेंस बढ़ेगी, तो सर्कमफेरेंस क्या होगी इसकी सर्कुलर लूप की, म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय में आर क्यूब एक्स इंटू में 2 पाई आर, मत ले लेना आपने इसकी रेडियस एक्स ले रखी है, आप यहां आर भी ले सकते हो लेकिन स्मॉल आर ले सकते हो, ले रखे तो कैपिटल आर ले लो, ए ले लो, बी ले लो, कैसे भी ले लो एक्स, तो जो इसका सर्कमफेरेंस आएगा वो क्या है 2 पाई एक्स, क्या किससे क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, क्या रहेगा अपने पास, अपने पास रहेगा म्यू नॉट बाय में 2 आई एक्स स्क्वायर बाय में आर क्यू, मैं लिख देता हूं यहां पे
जो मैग्नेटिक फील्ड आई अपनी, नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या आ गई, बी नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ये कितनी आ गई, म्यू नोट बाय में टू एक्स स्क्वेयर हो गए, सॉरी यहां पे एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, आई एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई कहां, किसकी, सर्कुलर लूप की, सेंटर पे नहीं, किस पे, एक्सिस। नोट करो इसको आप, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब हम इसको थोड़ा सा और कर सकते हैं आगे, कैसे करेंगे देखो, बी नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आई है, म्यू नोट बाय में टू आई एक्स स्क्वायर, आर को क्या लिख सकते हैं, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इंटू में थ्री बाय टू। ये अपनी नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई, देखो अलग अलग करेंगे ना, एक्स स्क्वायर इंटू में थ्री बाय टू, टू से टू कट गया तो आर का क्यूब बच गया, आर का क्यूब है ना, एक्स का क्यूब प्लस में ए का क्यूब, ठीक है। तो ये अपना नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई, किसकी, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की, कहां पे, एक्सिस पे। इसको नोट कर लो आप। अब हम इसको एक बार और समझते हैं, क्योंकि इसमें एंगल ज्यादा है, मैं साफ करके आपको एक बार और अच्छे से समझा देता हूं, उम्मीद आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये सर्कुलर लूप है, इसमें जो करंट जा रहा है वो करंट जा रहा है ऐसे, जो करंट जा रहा है यहां पे अंदर की तरफ जा रहा है, यहां पे बाहर की तरफ आ रहा है, प्रैक्टिकल समझ गया आप। अब करंट है, ये लूप है, ठीक है। अब इसमें करंट कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, यहां इस पॉइंट के ऊपर, यहां पे करंट कहां जा रहा है, आउटवर्ड। अब करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो डीएल हमने छोटा सा दो टुकड़ा लिया है, करंट ऐसे है, और पी पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हम क्या लेंगे, ये क्या हो गया आर। अब ये आर है, अब यहां करंट कहां जा रहा है, इनवर्ट जा रहा है, और ये पी पॉइंट ऐसे है, तो एंगल कितना है इनके बीच में, ये डीएल ऐसे है, ऐसे ये डीएल, ठीक है, तो एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये एंगल हमने ले लिया 90 डिग्री। अब यहां पे करंट कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, करंट ऐसे अंदर की तरफ, तो इस P पॉइंट पे देखना है तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कैसे आ गई, ऐसे, ये अपनी क्या आ गई, DB। अब अगर हम इस P पॉइंट पे देखेंगे तो वही DL, वही R, और यहां पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो आउटवर्ड। P पॉइंट पे कैसे आएगी, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वैसे आएगी, ये DB, ठीक है। अब हमें देखना है कि जो DP और R के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। इस R और DP के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये हाँ, ये जो एंगल हमने मान्य है, ये एंगल कितना हो गया, ठीक ठाक, ये एंगल कितना हो गया, थीटा, मान लिया ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अब ये देखो, ये कंप्लीट एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा कंप्लीट 90 है, तो क्या मान ली, क्या होगा ये 90 माइनस 2 थीटा, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ये एंगल कंप्लीट कितना है, 90 डिग्री का, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये कितना आएगा, 90 माइनस 2 थीटा, समझ में आ गई बात। अब ये जो एंगल है देखो, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का, ये कंप्लीट 90 का है, ये थीटा है, ये 90 माइनस 2 थीटा है, तो ये कितना बच गया, थीटा, क्योंकि अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का, ये थीटा है, तो ये कितना रह गया, थीटा। अब कैसे आ गए, ये ऐसे आ गए, अब ये डीबी यहां पे है, ये डीबी यहां पे है, ये
थीटा यहाँ पे है, ये थीटा यहाँ पे है, ये यहाँ पे डी बी है, तो इस साइड आएगा तो डी बी कोस ऑफ थीटा, यहाँ पे आएगा तो डी बी साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे डी बी कोस थीटा, इस साइड देखेंगे तो प्लस वन में कॉम्पोनेंट तोड़ने तो सीख लिए होंगे आसानी से। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल आउट करेंगे, मतलब कोस थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं और साइन थीटा वाला ऐड हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें तो बी नेट चाहिए ना, बी नेट वो क्या होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी बी साइन थीटा। अब सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि टू क्यों नहीं लिया, यहाँ पे तो टू है, लेकिन जो बच्चों यहाँ पे दो मैग्नेटिक, टू डी बी साइन थीटा किसके कारण है, टू डी एल के कारण। अगर आप 2dl के कारण लोगे तो आपको हाफ का करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, अगर एक के कारण लेंगे लोग अगर हम लेंगे तो क्या होगा, हम कंप्लीट का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये आपका क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग यू। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।